नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपको की रसोई में। और आज मैं चल रही हूँ मटन बनाने, वो भी नए तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 4 प्याज ली थी, इसको अच्छे से मैंने धो के पतले पतले स्लाइस में मैंने काट लिया प्याज को। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन 4 था, उसको छील लिया, बढ़िया से धो लिया। ये अदरक का टुकड़ा लिया है, ये 15-20 मिनट काजू लिया था, ये गोला का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें ये तेजपत्ता है और ये जीरा है और ये चक्रफूल है। और ये मैंने 4-5 मिर्च ले रखी है लाल वाली, और ये एक छोटी वाली इलायची है, ये बड़ी इलायची थी। और ये 10-15 मैंने मिर्च ले रखी है, और 5-6 लौंग ले रखी है मैंने। और ये दालचीनी का टुकड़ा है, और मैंने धनिया ले रखी है 2 चम्मच, ये पौखता है 1 चम्मच लिया है मैंने। और ये दही ले रखी है बड़े चार चम्मच। और इधर मैंने मटन ले रखा है 1 किलो, उसको मैंने अच्छे से 4-5 पानी में धो लिया था बढ़िया से। और ये कुछ पिसे मसाले हैं, इसमें धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, और ये तेल है और नमक है। अब चलते हैं, हम फटाफट गैस जला लेते हैं। और गैस के ऊपर रख देते हैं हम कढ़ाई गरम होने के लिए। और हाँ, इसमें हम जितने मसाले सब लिए हैं साबुत, इसको इसमें डाल के हम भूनेंगे। और इसमें हम डालेंगे भी 2 चम्मच हमारा धनिया है, और 1 चम्मच पत्ता है। और इसमें हम डालेंगे अब जो कड़ी पत्ता होता है, उसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का भूनना है, इसका खाली मॉइस्चराइज खत्म हो जाए इतना ही भुनना है। और ये काजू और ये जो सूखा नारियल है, इसको हम तब तक भिगो देते हैं पानी में, कि ताकि हमारे काजू और नारियल दोनों फूल जाए बढ़िया से। और इसको चलते फटाफट भून लेते हैं, इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और हमारे मसाले अच्छे से अब भुन चुके हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में इसको निकाल देते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने लिया एक जार में जितने मैंने मसाले सबको भून रखे थे, इसी जार में मैं डाल के मसालों को मैं पीस लूँगी, सब मसालों को। तो चलते फटाफट मसालों को डालती हूँ जार के अंदर। सब मसालों को मैंने जार में डाल दिया है, मैंने सब मसालों को जार में डाल दिया है। चलते इसको फटाफट पीस लेते हैं। और हमारे मसाले देखिए दोस्तों अच्छे से पीस चुके हैं। मैं 1 चम्मच के जरिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे मसाले कैसे पीसे हैं और कितने अच्छे से हमारे मसाले बिल्कुल पीस के एकदम रेडी हो चुके हैं। और हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम तेल डालेंगे, करीब बड़ा 2 चम्मच तेल है। और इसको गरम होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, और ये जो स्लाइस मैंने प्याज की काटी थी इसमें डाल देती हूँ। सब प्याजों को मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ। मैंने सब प्याजों को कढ़ाई में डाल के अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक इसमें बिल्कुल लाल कलर ना आ जाए, भून के कुरकुरा ना हो जाए, तब तक इसको मैं भूनूंगी। हमारे प्याज अच्छे से देखिए दोस्तों भून चुकी है, बहुत अच्छे से भून चुकी है। हमें इसी तरीके से प्याज को भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब यहाँ मैंने लिया है जार, और प्याज ठंडे हो चुके हैं। अब प्याज को निकाल के मैं जार में डालूंगी पीसने के लिए। जो मैंने प्याज भून रखे थे अच्छे से, मैंने उसको जार में निकाल लिया सबको। इसमें डालूंगी भी सूखा हुआ नारियल था, उसको डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी। इसको मैंने पानी में पहले से भिगो लिया था अच्छे से, और ये फूल चुके हैं। इसमें डालूंगी दही, ये बड़ी चम्मच है 2, इसमें इसको भी इसी में डाल के ऐड कर लूँगी। अब चलते हुए मैं जार का ढक्कन लगा देती हूँ पीसने के लिए, सबको अच्छे से मैं चलती पीस लेती हूँ। और हमारे मसाले देखिए दोस्तों कितने अच्छे पीस चुके हैं। और आपको मैं चम्मच के जरिए दिखाती हूँ कि हमारे मसाले कितने स्मूथ और बहुत अच्छे से पीसे हुए हैं। अब चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। जिस कढ़ाई में मैंने सारे मसाले भुने थे, उसी कढ़ाई में मैं मटन बनाऊँगी। और इसमें तेल डालूँगी, करीब बड़ा 4 चम्मच है उसका मैं तेल डालूँ। जितना आपको मतलब तेल की ज़रूरत है, मटन में तो तेल दोस्तों ज़्यादा लगता ही है, तो इसमें मैंने 4 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। और मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है, उसको भी इसमें कढ़ाई में डाल के हम भूनेंगे अच्छे से। मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट कढ़ाई में डाल लिया है, अब चलते इसको अच्छे से भून लेती हूँ। और जब तक इसे खुशबू ना आने लग जाए अदरक लहसुन की भुनी, तब तक इसको हम भूनेंगे। अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। अब चलते हैं, जो मैंने 1 किलो मटन लिया था, अब इस मटन को इसमें हम ऐड करते हैं। सब मटन को हमने कढ़ाई में डाल लिया है। मैंने सब मटन को कढ़ाई में डाल के अच्छे से इसको चलते हैं भूनते हैं। इसको सावधानी की तरह से ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे और मटन को अच्छे से हम भून लेंगे। हल्का सा मटन है जो कि हल्का सा भुन चुका है, इसको हम देखते हैं और बहुत अच्छे से मटन हमारा हल्का भुन गया है, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब चलते इसमें मसाला ऐड करते हैं जो कि देगी लाल मिर्च है। अब चलते एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, इसमें हम एक चम्मच धनिया डालेंगे और हाँ जो हमने मसाले पीस रखे थे अब उसको इसी में हम ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको चलते हैं धीरे धीरे चम्मच की सहायता से जो भी हो उसको मिलाते हैं। जो पेस्ट हमने भुने हुए प्याज का तैयार किया था जिसमें है काजू है, सूखा नारियल है, गोला है और दही है, इसको सबको हम इसमें डाल देंगे। पूरे पेस्ट को सब मसालों को हम मटन में मिला लेंगे धीरे धीरे और ताकि ये मसाले अच्छे से मटन में मिक्स हो जाएं। और देखिए दोस्तों मसाले अच्छे से मटन के अंदर मिक्स हो चुके हैं पूरी तरह। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। और ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इसकी पकने की एक निशानी होती है कि ताकि तेल जो है सब ऊपर आ जाता है, इससे पता चलता है कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब चलते हैं इसमें हम पानी डालते हैं आवश्यकता अनुसार, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड करिए। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसमें, मैं इसमें थोड़ा ही पानी डालूंगी। अब इसको डालने के बाद हम चलते हैं, अब चलते हैं इसमें मटन मसाला डालूंगी। ये करीब 2 चम्मच है, इसको इसमें डाल देती हूँ। अब चलते इसमें नमक डालूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच। सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार चलते फिर से इसको मिला देते हैं मटन को अच्छे से, ताकि नमक और जो मैंने मटन मसाला मिलाया है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और सबको मिलाने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं इसको हम, अब इसको ढक देते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेगा। और दोस्तों आधा घंटा हो चुका है मटन पके हुए। चलिए फटाफट हम ढक्कन हटा के इसको देखते हैं कि मटन पका है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों मटन कितने अच्छे से पका हुआ है, इसके ऊपर बिल्कुल तेल आ चुका है। इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट छोड़ देते हैं ताकि पूरा अच्छे से तेल ऊपर आ जाए और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है इसे छोड़ने से। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया हुआ है, कितने अच्छे से मटन पक के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मटन पका है कि नहीं, चम्मच के जरिए मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मटन हुआ है कि नहीं। वैसे तो कलर बहुत अच्छा आ चुका है और देखने में भी लग रहा है कि मटन बहुत अच्छा पका है। तो चलिए फटाफट देर के बिना हम चम्मच के जरिए देखते हैं कि मटन हुआ है कि नहीं। ये तो आ गई हड्डी, इसको हटाया जाए और ये है पीस आया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा मटन पक एकदम रेडी हो चुका है ये। अब इसको हम चलते हैं फटाफट तो बिना देरी करे प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों मटन कितना अच्छे से पक एकदम रेडी हो चुका है, इस पर कलर भी बहुत अच्छा आया है और हाँ किस किस के मुँह में पानी आया है इस मटन को देख के। देखने में जितना लाजवाब है खाने में भी इतना स्वादिष्ट है। तो इसी तरीका से आप लोग बनाइए और अपनी फैमिली को बना के खिलाइए मटन। तो दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस रेसिपी चाहिए।